नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज लखनऊ और पंजाब के बीच में मैच होने वाला है। आज हम लखनऊ और पंजाब के बीच जो मैच हो रहा है इसका प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे माई इलेवन सर्कल का टीम तैयार करने वाले हैं, आपको टीम प्रोवाइड करेंगे, परफेक्ट प्रेडिक्शन यहाँ पे देने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे कल का मैच आप देखा होगा, कल का मैच हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, कई सारे यूजर्स ने यहाँ पे आज प्राइज अर्न किए हैं कल के मैच में। तो इस तरह से अगर आपको भी यहाँ पे माई इलेवन सर्कल में मैच जीतना है, माई इलेवन सर्कल में प्रॉफिट अर्न करना है, माई इलेवन सर्कल में रैंक वन लाना है, माई इलेवन सर्कल में मैच लगा के आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है मेरा, साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे कई सारे अपडेट मिलते हैं, लाइक वहाँ पे आप अगर स्मॉल लीग की टीम लगाते हैं, टू एट की टीम लगाते हैं, तो आपके उसके सारे अपडेट आपको वहाँ पे मिलते हैं। आप अगर उसमें आप अगर वहाँ पे जो ग्रैंड लीग का मैच लगाते हैं, तो आपको ग्रैंड लीग का भी टीम, दो टीमें दी जाती हैं वहाँ पे, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जो प्रॉपर वीडियो बन रहा है ये प्रॉपर ग्रैंड लीग की वीडियो है, यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग का टीम दिया जाएगा। आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम चाहिए होती है, तो आप अगर मैच लगाते हैं स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कमेंट करके बताना है। बस आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली आपको टीम प्रोवाइड कराऊंगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड का, और गारंटी टीम आपको मैं दूंगा कि 110% आप वहाँ पे विन करोगे स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। स्मॉल लीग और हेड टू हेड मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि कोई भी मैच लगा लीजिए, आप हेड टू हेड लगा रहे हैं, दो लोग का, तीन लोग का कॉन्टेस्ट लगा रहे हैं, चार लोग का लगा रहे हैं, तो उसमें आपको विन कराने की गारंटी मेरी है। कैसे भी कितने भी अमाउंट का आप लगा लीजिए, जिताने की गारंटी हमारी है। बस आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे इस टीम का जो है, इस मैच का जो है, स्मॉल लीग का या हेड टू हेड का टीम चाहिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल जरूर करना है, मिस नहीं करना है आपको, तभी आप जो है, अगर आपको माई इलेवन सर्कल से पैसे कमाने हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको लाइनअप आउट होने के 5 या 10 मिनट बाद आपको परफेक्ट प्रिडिक्शन, एक सटीक प्लेइंग 11 आपको वहां पे मिल जाता है। तो आज का मैच का हम बात कर लेते हैं। तो आज का जो मैच है, ये सबसे पहले बात करते हैं कौन से वेन्यू पे हो रहा है। पिच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी होता है और आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड जानना बहुत जरूरी, दोनों टीमों को हेड टू हेड क्या परफॉर्मेंस रहा है, दोनों टीमों में कौन से टॉप फोर प्लेयर्स हैं जो आपको आज ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, जो आपको मेगा कॉन्टेस्ट जिता सकते हैं, तो उसको अगर आपको जानना है तो उसके लिए चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये मैच जो हो रहा है ये भारत रत्न अटल बिहारी स्टेडियम में हो रहा है, जो कि लखनऊ में है। तो लखनऊ का पिच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दो तरह के पिच यूज की जाती है, काली मिट्टी वाली पिच यूज की जाती है, एक लाल मिट्टी वाली पिच यूज की जाती है। अब इसका जो अपडेट है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा कि कौन से पिच पे ये मैच होने वाला है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है, तो अगर आप पहले वाले पे खेलेंगे तो वहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन जो लाल मिट्टी वाली पे खेलेंगे तो वहाँ पे सिर्फ स्पिनर्स को मदद मिलता है, पिच बहुत स्लो हो जाता है। तो देखने की बात है कि दोनों में से कौन से पिच पर हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैच स्टार्ट होने से पहले आपको 6:30-6:45 तक का इसका भी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन करके उस पर आपको बने रहना है 6:30 बजे के बाद। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वेन्यू विंस की। तो बैटिंग फर्स्ट जो भी टीमें हैं वो 60% जीती हैं, और बैटिंग सेकंड की बात करें तो ये 40% जो सेकंड बैटिंग करता है वो जीतता है। अगर हम यहाँ पे टॉप बैटर्स की बात करें दोनों टीमों का, तो बैटिंग में केएल राहुल स्टोनिस आपको मिल जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, सिकंदर रजा और थर्ड टावड़ी मिल जाएंगे आपको पंजाब की तरफ से। अगर हम बॉलर की बात करें तो रवि बिश्नोई, यश ठाकुर आपको मिलेंगे लखनऊ की तरफ से, और आपको ककिसी रवाडा, सैम करन आपको मिल जाएंगे पंजाब की तरफ से। तो इस तरह से जो ये 8 प्लेयर हैं इनमें से भी आपको मिनिमम 5 से 6 प्लेयर अपनी टीम में रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिकंदर रजा को आप ड्रॉप कर सकते हो, अथर टाइडे को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अब राहुल स्टोनिस बिश्नोई यश ठाकुर रवाडा सैम करन में से आपको 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखना ही रखना है। प्लेइंग इलेवन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेइंग इलेवन रहने वाला है। प्लेइंग इलेवन आपको यहाँ पे लगभग सटीक 90% चांस है कि यही इलेवन के साथ आज टीमें उतरने वाली हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड दोनों टीमों का क्या रिकॉर्ड है। टोटल 3 मैच खेले गए हैं, 2 में लखनऊ को जीत मिली है, 1 में पंजाब को जीत मिली है, यानी कि 2 में लखनऊ, 1 में पंजाब जीती है, तो यहाँ पे लखनऊ 2 मैच जीत चुकी है। एक बात और बताते हैं कि जो भी यहाँ पे मैच होता है वो लो स्कोरिंग गेम होता है, और वहाँ पे लो स्कोरिंग गेम डिफेंड भी हो सकता है, जैसे कि लास्ट सीजन में 118 रन, 119 रन, 129 रन भी डिफेंड हो चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बहुत ही ध्यान से आपको टीम बनाना है, जो भी आपको टीम बनाना है परफेक्ट बनाना है, तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, 1 भी सेकंड आप स्किप कर देंगे तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आगे हम चलिए टीम की बात कर लेते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं। हमारे पास विकेट कीपर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं केएल राहुल का ऑप्शन है, जीतेश शर्मा है, निकलस पूरन है, प्रभसिमरन है और जॉनी बेरेस्टो है। 5 विकेट कीपर का ऑप्शन है आज के मैच में।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए होती है कि हमें किस प्लेयर को लेना है, और देख रहे होंगे सारे आपको बड़े नाम के प्लेयर यहाँ पे दिखेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारे प्लेयरों का रखना है, आपको बता देते हैं कि जो ये पिच है पिच के अकॉर्डिंग ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है। आज का जो पिच है, जो सामने खेलता है, जो स्ट्रेट खेलता है, वही प्लेयर आज सक्सेस होगा आज की पिच पे। तो वैसे प्लेयर हमें ढूंढना है, वैसे प्लेयर में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है शिखर धवन का, लोकेश राहुल का। राहुल की जो बल्लेबाजी का जो स्टाइल है, वो स्ट्रेट ड्राइव करना पसंद करते हैं और सामने खेलना पसंद करते हैं। तो लखनऊ के पिच पे केएल राहुल अच्छा परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं, इनके सूट करता है ये वाला पिच, तो राहुल को यहाँ के लेके चलते हैं। अभी के लिए हम विकेट कीपर में आपके पास सिमरन सिंह का भी ऑप्शन है, सिमरन सिंह को भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप चलिए बैट्समैन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिकॉक, बैरिस्टो, पूरन सबको ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी नहीं चलने वाला आज के मैच में, ये गारंटी है। बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो बैट्समैन में शिखर धवन को आपको रखना है, सेम जैसे राहुल बल्लेबाजी करते हैं उसी तरह से यहाँ पे शिखर धवन भी बल्लेबाजी करने हैं, उनका भी स्टाइल सेम है, वो भी सामने खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आपको शशांक सिंह का भी ऑप्शन है, शशांक सिंह को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। आगे जो ऑप्शन है दीपक हुड्डा के भी आपके पास ऑप्शन, दीपक हुड्डा बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर, बॉलिंग भी कर लेते हैं। अगर हम देखें दीपक हुड्डा का जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी थोड़ा सा पीछे है दीपक हुड्डा का बैटिंग लाइनअप, तो अभी के लिए हम दीपक हुड्डा को भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। आयुष बदोनी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आयुष बदोनी आपके ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो दो हमने विकेट कीपर, दो बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया है। अब ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सैम करन को लेना है, टॉप प्लेयर हैं, टॉप फोर में इनका नाम था, तो सैम करन को रखना है अपनी टीम में। हर्षल पटेल को अपनी टीम में रखना है, हर्षल पटेल सोलर बॉल डालते हैं, तो आज के पिच पे हर्षल पटेल की बॉलिंग देखने लायक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कुणाल पांड्या को अपनी टीम में रखना है आपके, ये भी आपके ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं आज के मैच में। कुणाल भी ये जो पिच है इस पर कुणाल का बढ़िया परफॉर्मेंस है, अच्छी बॉलिंग कर ले जाता है। स्टोनिस भी आपकी ऑप्शन है, स्टोनिस को भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं। एज अ बैटर आप देखेंगे स्टोनिस थोड़ा सा पीछे आते हैं। अभी पहले हम बॉलिंग के सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉलिंग में रबाडा हो गए आपको, रबाडा के साथ साथ आपको राहुल चहर को अपनी टीम रखना है। दो हमने यहाँ पे पंजाब की तरफ से सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे एलएसजी से आप जो है मार्कस स्टोनिस को अपनी टीम में रख सकते हो। अदरवाइज अगर बैटिंग सेक्शन से आप किसी को बढ़ाना चाहते हो, चाहे दीपक हुड्डा को बढ़ा सकते हो या फिर आप जो है देवदत्त पड्डीकल को बढ़ा सकते हो। देवदत्त पड्डीकल का देख लेते हैं बैटिंग पोजीशन क्या है, देवदत्त पड्डीकल माइट बी ये वन डाउन आ सकते हैं, तो आप देवदत्त पड्डीकल को अपनी टीम में रख सकते हो। यहाँ पे हम देवदत्त पड्डीकल को भी अपनी टीम में रख लेते हैं। तो जो टीम बनी है हम यहाँ पे अगर देखें तो मार्कस स्टोनिस को आप यहाँ पे ड्रॉप करके एक बॉलर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, लाइक यहाँ पे हम नबीन उल हक या फिर रवि बिश्नोई को अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टीम है। अगर हम प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू बार कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं दो विकेट कीपर हैं, तीन बैट्समैन हैं, तीन ऑलराउंडर हैं, इसी तरह से हमारे पास तीन यहाँ पे बॉलर्स भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से टीम है। अब एक बार हम यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव कर लेते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन देख लेते हैं। आपके पास केएल राहुल का भी ऑप्शन 35% है, प्रभसिमरन है, शिखर धवन भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं 11%, आयुष बदोनी है, देवदत्त पड्डीकल, सैम करन को 20% लोगों ने लिया है, हर्षल पटेल को नहीं, कुणाल पांड्या को 8% लोगों ने लिया है। तो यहाँ पे हम बताएं कि आपको जो कैप्टन वाइस कैप्टन चुनाव करना है, कैप्टन में केएल राहुल हमारे पहले ऑप्शन रहेंगे। और वाइस कैप्टन की बात करें तो हम यहाँ पे सैम करन के साथ चलते हैं। अभी के लिए हम इस टीम के साथ चलते हैं, सेव कर लेते हैं टीम को। अभी के लिए हम कुछ इस प्रकार की टीम के साथ ही चलते हैं, और बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन आपको जरूर करना है क्योंकि आपको जो भी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन का टीम नहीं है, फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन का जो टीम है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। आपको जैसे लाइन अप आउट होता है 7-5, 7-10 मिनट तक आपको जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन का जो चेंजेस रहते हैं वहाँ पे वो कर दिया जाएगा, जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पे आपको जुड़े रहना है। लिंक आपको फिर से आपको बता रहे हैं कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जरूर से जरूर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है।